ये अशोका का स्तंभ है। ये अशोका स्तंभ अशोका पिलर के नाम से जाना जाता है। 2300 साल पहले 100 फीट का था, चार गो लाइन वाला शेर वाला चित्र था जो 1205 एडी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने तोड़वा दिया। और इसका ये टूटा हुआ भाग कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम रख दिया था। अच्छा, तो ब्रिटिश के जमाने में समतल बना दिया था, लोग इसके ऊपर लोग क्वाइन बिकते थे और जिसका क्वाइन चला जाता है इसके ऊपर वो आदमी भागशाली, तो टैटू बना दिया। बुद्ध कहते हैं कर्म कर, इन सब चीज़ों में विश्वास करना पड़ता है। हाँ, देख सकते हैं, अभी तो नहीं जाएगा क्वाइन क्योंकि बंद कर दिया गया। एक बार ट्राई करके देख, हाँ ट्राई करके देख लीजिए। ये रखे तो यार कोई तो गंदगी में हो जाएगा। हाँ देख लीजिए क्वाइन नहीं निकलेगा यार, ये तो गायक गाइस ये मत फेंकना, ये गंदगी में आ जाएगा। तो कभी और आएंगे किसी और साल, तब ट्राई करेंगे इसके ऊपर फेंकना। चलिए आगे चलते हैं। सुनिए वो बाउंड्री बॉल वहीं चले करीब से बताया गया, बता दे। नहीं नहीं वहीं चलो भाई, ये सब कौन है जो सफेद सफेद पहने? ये सब श्रीलंका का लोग हैं। अच्छा, श्रीलंका में बुद्धिस्ट रहते हैं? श्रीलंका बुद्धिस्ट कंट्री है। अच्छा, ये भी किसी ने तोड़ा था क्या? ये सब तोड़ा गया, इसका इतिहास बताएंगे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ ज़्यादातर श्रीलंकन साथ हैं। श्रीलंकन, थाईलैंड, बर्मा, नेपाल, भूटान, चाइना, तिब्बत, बहुत लोग। ये देखिए सतवां सप्ताह राजयतन, एक काइंड ऑफ फॉरेस्टी, एक जंगल का नाम राजयतन, भगवान बुद्ध सतवां सप्ताह लास्ट सप्ताह जब यहाँ पर ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, भगवान बुद्ध का शरीर पूरा दुबला पतला हो गया। दुबले पतले इंसान की तरह दो गो बर्मा से सौदागर आए जिसका नाम था टुपिस्कार भलिका। बुद्ध जहाँ बैठे थे वहाँ बैठ गए, खाने के लिए राइस लाए, केक लाए, हनी मधु लाए जो भगवान बुद्ध को देते, और बुद्ध के पास कुछ नहीं था, सर का बाल दिया, नेल दिया और ज्ञान दिया। ये शांति, अहिंसा, करुणा, दया के ज्ञान मेरे साथ बोलेगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, ज्ञान की शरण में, बुद्धं सच्चम गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, ज्ञान की शरण में जाइए। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धर्म, मानव का धर्म एक होता है, और संगम शरणं गच्छामि का मंत्र यानी सार नतवास करी 5 बिकुटोल संगम शरणं गच्छामि, संग तो बुद्ध का नेल और बाल बर्मा में दास श्रीलंका कैडी में रखा हो। ये 7th प्लेस है, लास्ट प्लेस है ये बुद्ध का। अच्छा अच्छा, पहले वो नेपाल में थे फिर श्रीलंका गए, लास्ट में यहाँ पर है? श्रीलंका नहीं गए, नेपाल से इंडिया में आए, इंडिया में ही रह गए वो, यहाँ से ज्ञान श्रीलंका गया। अच्छा, ये देखे मंदिर, मंदिर के बारे में बता रही है, मंदिर दो राजाओं दो किंग ने बनाया। वाह, जैसे नीचे स्तूपा तक छोटे छोटे स्तूपा देख रही है, 30 मंदिर। हाँ, सम्राट अशोक ने 2300 साल पहले, 2300 साल पहले अशोक कालीन है, सम्राट अशोक ने बनाया। अच्छा, तो पहले बुद्ध आए थे कि पहले वो आए थे? बुद्ध अशोक आए थे, अशोक बाद में आए, बुद्ध के पहले, बुद्ध पहले आए थे। अच्छा, बुद्ध पहले आए थे। अच्छा, और 150 फीट जो मंदिर ऊपर देख रहे हैं ये समुद्र गुप्ता ने बनाया, 4 AD 1006 AD। अच्छा, 1 BC 1 AD, तो मंदिर का टोटल हाइट 180 फीट है, चौड़ाई 52 मीटर, मंदिर के ऊपर सोना है। अच्छा, जो थाईलैंड का राजा भूमिपाल ने महाबोधि टेम्पल को 2013 में दान दिया, महाबोधि टेम्पल को। अच्छा, अंदर जा सकते हैं? 5 AD में जब मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा, ये वो वाला खिलजी है जिसने वो बख्तियारपुर नालंदा को जलाया था? अरे अलाउद्दीन खिलजी ना? हाँ, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी और वो अलग 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 होता है ना, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो नालंदा विश्वविद्यालय जलाया। अच्छा, वही खिलजी है जिसने जलाया? हाँ, पागल अगल था क्या? हाँ, नीचे से 30 फीट मंदिर को मिट्टी से ढक दिया था, तो 600 वर्षों तक ये मंदिर मिट्टी से ढका रह गया। 1876 में खुदाई के सर्वे के टूटा पड़ा, ये सब अस्तूपा पाया गया। अच्छा, ये अस्तूपा कहते हैं। अच्छा, अस्तूपा किसे कहते हैं? जैसे आप जो बुद्ध का मूर्ति देख रहे हैं 1000 साल पहले, मंदिर 2300 साल पहले, राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध को 2600 साल पहले पीपल टी के नीचे ज्ञान मिला, ना तो बुद्ध का मूर्ति ना तो मंदिर एक जंगल था। उनका देह होने के बाद में उनका जो शिष्य भगवान बुद्ध के नाम से अपने नाम से कैसा स्तूप, जिसे चौखंडी स्तूप मनकामना स्तूप कहते हैं, इस मंदिर परिसर में 485 स्तूप है जो मनकामना के अनुसार मन्नत मांग के बनाया गया, समझ गए? हाँ, एक बार अंदर रुके। हाँ, जा सकते हैं? अच्छी, वही पेड़ है जिसके नीचे ध्यान करा।
गाइस आपको स्तूपा दिखाते हैं। तो गाइस ये थी स्तूपा पूरी। चलिए चलते हैं आगे और आपको व्यू दिखाते हैं। अब किधर चलना? देखिए पांचवा सप्ताह पेड़ के पीछे है कि बता दे, वहां चलना पड़ेगा। चलिए चल के बताइए कहां पर जो है। बोधी टी चलेंगे अब, ज्ञान मिला देखा। अच्छा अभी मंदिर के अंदर जा रहे हैं? मंदिर के अंदर बाद में चलेंगे, पहले बोधि टी चलिए जहाँ ज्ञान मिला बुद्ध को। अच्छा अच्छा मैं जूते उतारने पड़े? हाँ जूता उतारी, यहाँ से मंदिर चल रहे हैं। मोजे भी उतारने? मोजा ने उतारिए। बहुत अच्छा गाइस, ये है पूरे मंदिर का व्यू। भगवान बुद्ध का चरण है जो कल्पना करके लेफ्ट चरण है, लेफ्ट राइट अशोक स्तंभ, नमन करिए इसको। ये मंदिर का मेन पॉइंट है बुद्धिज्म के अनुसार, यहाँ पर माथा टेक के अपने परिवार के नमन करते हैं, मेन पॉइंट। ये मेन जगह है, यही वो जगह जहाँ ज्ञान मिला। ये पेड़ के बगल में राजकुमार सिद्धार्थ वहाँ पर बैठे थे। तो जिस समय राजकुमार सिद्धार्थ यहाँ पर बैठे थे उस समय मिट्टी था। 2600 साल पहले, 2600 साल पहले वैशाख पूर्णिमा के दिन यही पीपल टी के नीचे बुद्ध का लाए, तथागत का लाए, गौतम का लाए, और यहाँ का राजा थे सम्राट अशोक। 201 ईसा में कलिंगा युद्ध हुआ। कलिंगा युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाए, अपने बेटे महिंद्रा संघमित्रा को एक जड़ का रूट अनुराधापुरम श्रीलंका। बुद्ध के जमाने से ये पेड़ तीन बार कटा गया, ये चौथा पेड़ चौथा बन सके। पहला पेड़ राजा अशोक की पत्नी त्रिरसिका देवी कटाई, जो जैन धर्म को मानने वाले बौद्ध, उसने पहली बार कटाया। जड़ से निकल कटा से दूसरा निकल गया। फिर यहाँ का राजा बना से सांग स्नातन ब्रह्मनवाद बुद्धिज्म के खिलाफ, तो उसने दूसरी बार करा दिया। जल से निकट अठारह सौ तीसरा निकल गया। ब्रिटिश के जमाने में आंधी आई तूफान का, 1876 में एक जड़ का रूट यहाँ लगा दिया, एक रूट सारनाथ में लगा दिया। ये चौथा पीढ़ी 140 साल पुराना, अंदर का सिंहासन 1996 में, ये रेलिंग 4 साल 5 साल पहले दान देव ने और सोना पानी, यही वो जगह जहाँ ज्ञान मिला। बुद्ध के जमाने से 140 साल पुराना पेड़ है। अच्छा बुद्ध, भगवान बुद्ध के पहले से है ये पेड़? पहला सप्ताह ज्ञान मिलने के बाद दूसरा सप्ताह देखिए पेड़ के पीछे मंदिर, उधर देखिए वो मंदिर 1985 में बनाया गया, श्रीलंका गवर्नमेंट यहाँ गवर्नमेंट बनाया, बुद्ध का माता जी महामाया देवी
जब दलाई लामा कर्मप्पा वो किताब को देते कैसा वाला बोर्ड यानी मिशलोचन, भगवान बुद्ध वहाँ से 7 दिन और 7 रात बिना पलक जपाए बोडीटी को ध्यान किए, एकाध दृष्टि से देखे और मन में सोच रहे थे कि हमें जो ज्ञान मिला मैं अपना ज्ञान वो भी साथ छोड़ चले गए सामने के लिए। तो भगवान बुद्ध वहाँ से 7 दिन और 7 रात बिना पलक जपाए बोडीटी को ध्यान किया। ये थर्ड वीक है चंद्रमन वॉक मेडिटेशन। भगवान बुद्ध जब तीसरा सप्ताह 11 कदम आगे चलते थे 11 कदम पीछे, भगवान बुद्ध के पैरों के नीचे से कमल का फूल निकला और जहाँ से कमल, ये सम्राट अशोक ने 2300 साल पहले 11 कमल चरण का स्थापना की। अच्छा, ये जिसके ऊपर चल के आते हैं? हाँ, तो 1205 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नीचे से 30 फीट मंदिर को कवर कर दिया, 600 वर्षों बाद जब 1880 में खुदाई के एक स्टेप फूल गया, ब्रिटिश ने कॉपी कर दिया और दोनों के पत्थर पर कमल का फूल, ये भी कमल का फूल, ये भी कमल का फूल। कमल का फूल का जन्म कीचड़ में होता है, जब पड़ता कमल का फूल बनता। भगवान को सोचते हैं ये संसार में दो तरह के लोग, कुछ अच्छे कुछ खराब, इसलिए पहला ज्ञान भगवान बुद्ध ने अपने पास प्रिय शिष्य दोस्त को दिए धम्म चक्र। ये थर्ड वीक है चंद्रमन वॉक मेडिटेशन। यहाँ गिरी है ना, अभी बाद में चले गए चौथा सप्ताह। अच्छा, देखिए बुद्ध का चौथा सप्ताह यही से बताते हैं, वहाँ पर भीड़ लगा हुआ है। रतन घर, रतन कहते ज्ञान को, घर कहते घर, ज्ञान का घर दीपक घर। तो भगवान बुद्ध जब चौथा सप्ताह चतुर सप्ताह ध्यान करे थे उनके शरीर पर ये 5 कलर 5 तत्व से, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, पाना की पाता दिन दाना काम सिखा मुस्सा वादा सुरा मठाना, चोरी न करना पर विचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, सदा सच बोलना, अच्छे काम करना बुरे काम, ये जो फ्लैग है बुरी फ्लैग है रतन घर। अच्छा, नहीं थी आगे हिस्ट्री? हाँ, देख लीजिए। चलिए अब चल के आपको मंदिर का व्यू दिखाते हैं। นาปูนาปูเตกโมอ่ะ
गाइस काफी शांति मिल रही है मुझे यहाँ पर। और पता नहीं गाइड कहाँ खो गए हैं। गाइड भैया गाइस पता नहीं गाइड कहाँ रह गए। आ गए गाइस हमारे गाइड में।